खबर टोंक के देवली से, जहां पर सोमवार को मॉडिफाइड लॉकडाउन को लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति हो गई है। इसी के चलते अफवाह फैल गई कि देवली के बाजार खुल चुके हैं। इसको लेकर लोगों की आवाजाही शुरू हो गई। वहीं बाजार में भी कई दुकानें खुल गई जो कि लॉकडाउन में प्रतिबंधित हैं। सूचना के बाद पुलिस से समझाइश कर लोगों को घर भेजा। राज्य सरकार ने भले ही 20 अप्रैल से मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू करने की घोषणा की है, लेकिन इस स्थिति को लेकर शहर में असमंजस का माहौल बना हुआ है। आखिर किस दुकान को खोला जाए, किस दुकान को बंद किया जाए, इसको लेकर पुलिस के अधिकारी भी असमंजस की स्थिति में हैं। पुलिस ने इसको लेकर प्रशासनिक अधिकारियों से मार्गदर्शन मांगा है, लेकिन अफसोस है कि अभी तक प्रशासनिक अधिकारियों ने इस स्थिति को लेकर कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है। यहाँ गौर वाली बात है कि देवली की स्थिति राजस्थान के सबसे बड़े हॉटस्पॉट बने हुए कोटा व टोंक के बीच में स्थित है। ऐसी स्थिति में देवली की स्थिति भी बेहद खतरनाक हो सकती है। यदि लॉकडाउन की स्थितियों पर नियंत्रण नहीं रखा गया तो आने वाले दिनों में हो सकता है देवली का नाम भी कोरोना पॉजिटिव की लिस्ट में शामिल हो। कैमरा पर्सन शिवपाल के साथ मनीष बागड़ी, एवन टीवी, देवली टोंक। श्रीगंगानगर के घड़साना में लॉकडाउन का कुछ खास